जय श्री गणेश। तो आप लोग को हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो आज हम लोग आए हैं महाराष्ट्र मंडल पटना, जो कि भव्य गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग रास्ता होते हुए, मतलब ये आर ब्लॉक में पड़ता है। तो आपको जैसे जाना हो तो जीपीओ का नंबर जाइए, वहाँ से आप आर ब्लॉक के लिए थोड़ा सा आगे है, तो आप लोकेशन ऑन करके भी जा सकते हैं। महाराष्ट्र मंडल डालिएगा तो लोकेशन में आ जाएगा, जो कि चानकिया होटल है या होटल कौटिल्य, उसके जस्ट बगल में ही आपको दिख जाएगा। और ये भव्य और इस बार की प्रतिमा कुछ अलग ही है, जो कि आप देख रहे हैं कि हमारे राम मंदिर में जैसे है ना राम जी का गर्भगृह, उसी तरह से बनाया गया है भगवान गणेश जी का। और ये आप सजावट देख रहे हैं, ये गेट से लेके अंदर तक। और इस बार कुछ अलग है, इस बार गणेश जी के मुकुट जो कि 30 लाख रुपए का है, जिसमें कि डायमंड जड़ा हुआ है और हीरों से जड़ित डायमंड गणेश जी का मुकुट पहनाया गया है, आप देख रहे हैं। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, उधर हाथ धो और अभी हम सब अंदर जा रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं झूमर है, और अभी आप अंदर भीड़ देख सकते हैं। वैसे अभी ज्यादा भीड़ तो नहीं, वो रहा सामने गणेश जी का मूर्ति। और यहाँ पर आप बगल में देख सकते हैं बाहर एक गणेश जी का लगा हुआ था, जिसके जब मैं प्रणाम कर रहा था तो फिर उनका जो हाथ था, उनका हाथ में सिर पर जा भी रहा, आप देख सकते हो। इसका फिर ये रहा, जो कि सेम टू सेम राम जी का जहाँ पे अयोध्या का है वैसा ही लग रहा है गर्भगृह। और यहाँ पर बाहर एक ये सुंदर सा बना है, और उधर है हाथ धोने का और पानी पीने का जगह, और उधर एक ब्लू कलर का बहुत सुंदर सा झूमर लगा हुआ है। अभी हम सब अंदर जा रहे हैं वापस से। और यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर आए थे, यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं। और अभी हम सब आ चुके हैं अंदर, और आप देख सकते हो यहाँ कितना सुंदर। और वहाँ उधर देखने पे लगेगा कि वहाँ पे ये पूरा राम जी के जगह, वहाँ पे राम जी का मूर्ति हटा करके गणेश जी का मूर्ति रख दिया गया, ऐसा लग रहा है। और पीछे जो आप वो देख सकते हो व्हाइट व्हाइट, वो मार्बल नहीं है, वो फॉर्म है। या फिर उसे थर्माकोल भी कहा जाता है। और अभी आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, हाँ ये जो महाराष्ट्र में बनता है लाल बाग के राजा, सेम टू सेम उसे ही देख के बनाया जाता है इसकी प्रतिमा। और अभी हम सब जा रहे हैं आगे, वहाँ पर प्रसाद बट रहा था प्रसाद लेने। और हम सब अभी शाम के टाइम पे आए थे, इसलिए हमें मोदक नहीं मिला, क्योंकि मोदक का भोग सुबह में ही लगा था, तो वो सिर्फ सुबह में बटा था। अभी ये आरती के लिए सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और अभी और भी भीड़ हो चुका है। और इसका जो आरती था ये 7:30 बजे से चालू हो जाता है, और कितने बजे ख़त्म होता है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आरती के 1 घंटा 10 मिनट बाद यहाँ से निकल गया था। और इधर आप देख सकते हैं इधर दो डीजे लगा है, और इसका जो सजावट किया गया था ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर पूरा फुल एसी लगा था, और वो जो बना हुआ था जो थर्माकोल से डिज़ाइन किया था, वो मुझे समझ में नहीं आया कि उसे करने में लोग को कितना दिल लगा था। वैसे सजाया तो बहुत बढ़िया गया, पीछे भी जगह था, लेकिन अब आगे भी इतना ही भीड़, पीछे भी इतना ही भीड़। और आप सामने देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसे लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताइए। अभी आप वो सामने देख सकते हैं कितने सारे लोग अपने
गणपति बप्पा जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे माना कामना मूर्ति जय देव जय देव रत्न भजदा भारा तुलगौरी कुमरा चंदना चूति कुमकुम केसरा हीरे जड़िता मुकुट शोभ तो बारा रुर्जुन देनु पूरे चरणी गागरिया जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे माना कामना मूर्ति जय देव जय देव लंबोर पीता तो अभी आप देख सकते हैं ये जो ये सबको फूल बांट रहे हैं और उधर वो गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में लिख के बताइएगा। और उधर आप देखो तो उधर वो अंकल प्रसादी दे रहे जिसका रहता है और उधर प्रसादी बट रहा था और सबको अंकल फूल भी दे रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटू सा गणेश जी है जिन्हें सबने फूल पहना पहना के पूरा ढक दिया है जिनका चेहरा भी नहीं दिख पा रहा। और अभी यहाँ पर आप देख सकते कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा था ना कि जैसे ये पूरा जो है मैं राम मंदिर में ही आ गया हूँ और वहाँ पे राम मंदिर में जो राम जी का मूर्ति उसे उठाकर साइड पे रख दिया गया है और गणेश जी का मूर्ति उठाकर रख दिया गया है जहाँ पे राम जी का मूर्ति था। और आप इसमें जितने भी टेस्ट गणेश मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।